नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में पहली बार भारत को पहली बार दो अवार्ड मिले हैं। फिल्म आरआरआर के गाने नाडू नाडू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल डेड ब्रिड सीरीज से बाहर हो गई। ऑस्कर अवार्ड में इन तीन कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। नाडू नाडू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में आरआरआर के नाडू नाडू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर एमएम कीरवानी ने ट्रॉफी ली। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली पीछे बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आरआरआर और द एलिफेंट विस्पर्स के मेकर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा, असाधारण नाडू नाडू की लोकप्रियता वैश्विक है। यह एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। द एलिफेंट विस्पर्स गुरीत की दूसरी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस फिल्म की कहानी दक्षिण भारत के कपल बोमन और बेली की है, जो एक रघु नाम के अनाथ छोटे हाथी की देखभाल करते हैं। इस फिल्म के जरिए इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नव भारत टुडे। नमस्कार।